आफरीन, मैं मार्केट जा रही हूँ, जरा दरवाजा बंद कर लो बेटा। कि तुम इतना तैयार क्यों हो रही हो, कहाँ जा रही हो? अपने ससुराल जा रही हूँ। ससुराल पर क्यों? अब्बू तो हैदराबाद जाकर बैठ गए, लग रहा है उनके दोस्त के बेटे की शादी नहीं बल्कि उनके अपने सगे बेटे की शादी हो रही है। कोई एहसास ही नहीं है मेरा। तो कौन से घर पे बैठो, तुम कहीं नहीं जा रही, तुम्हारे अब्बू एक दो दिन में आ ही जाएंगे, फिर चली जाना। अम्मी एक दो दिन नहीं रुक सकती मैं, मुझसे एक सेकंड भी सब्र नहीं हो रहा, आप मेरे साथ चलें। तुम्हारे साथ देके मेरी भी इज्जत अफजाई कर देंगे वो लोग। मैं तो तुम्हारे अब्बू के साथ ही जाऊंगी और तुम भी सुकून से बैठ जाओ, अभी मत जाओ। मैं नहीं रुकने वाली अम्मी, आपने नहीं जाना तो मत जाए। पर मुझे रोकने की जरूरत नहीं है, मैं देख लूंगी अपने मामलात खुद। इतनी मुश्किलों से तो उस घर में जाने का आसरा हुआ है, अब मैं अब्बू की वजह से ये मौका नहीं गवा सकती। इतनी सज धज के जाओगी ना, किसी को तुम पे तरस नहीं आएगा और ना ही कोई तुमसे हमदर्दी करेगा, समझी? अगर फिर भी तुमने जाना है तो घर को ताला डालकर जाना, चाबी है मेरे पास, वैसे ना जाओ तो अच्छा है। चलो सूजा, चलो मुस्तफा। नेहा, हाँ सामने को। वालेकुम अस्सलाम। जब से तुम्हारी खुशखबरी सुनी थी, अम्मी अब्बू के साथ मिलने आना चाह रही थी तुमसे, लेकिन फिर अब्बू हैदराबाद चले गए काम से, लेकिन मुझसे रहा भी नहीं गया, इसीलिए बस चली आई। तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो नेहा, माशाल्लाह से बहुत क्यूट है। क्या नाम रखा तुमने इसका? नेहा। क्या नाम रखा तुमने इसका? अफीम का भी मुस्तफा, मुस्तफा नाम रखा। माशाल्लाह बहुत प्यारा नाम है, मैं गोद में लूं? वो अफीम भाभी वो छोटा है ना बहुत, तो बस रोता है किसी के पास जाके। घर में कोई है नहीं क्या? आंटी रानिया सब कहाँ है? रानिया ऑफिस गई है, खाला मियां और भाईजान फातिया कर। तुम सब मुझे भूल गए हो ना?